नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप भी यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता है कि जिस कॉलेज में आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जिस इंस्टीट्यूट से आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, क्या वो इंस्टीट्यूट या फिर क्या वो कॉलेज आपका पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में रजिस्टर है या फिर नहीं है। क्योंकि जब आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करते समय आपको अपना कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, और वहां पर अगर आपका कॉलेज ऑप्शन नहीं आता है तो आप यहां पर ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसका यहां पर एक मात्र तरीका है, यहां पर कॉलेज लिस्ट यहां पर जारी कर दिया गया है, तो आप यहां पर ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले ही अपने इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज को पता कर सकते हैं क्या यहां पर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में हमारा इंस्टीट्यूट या फिर हमारा कॉलेज रजिस्टर है या फिर नहीं है। वो कैसे पता करेंगे, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप यहां पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति यहाँ पर आवेदन करने वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से खुल करके आ जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। उनके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट कॉलेज यहाँ पर रजिस्टर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी जो यहाँ पर लगातार कॉमेंट कर रहे हैं, सर हमारे यहाँ पर कॉलेज का नाम नहीं आ रहा, हमारा इंस्टीट्यूट का नाम नहीं आ रहा। तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर यानी कि रजिस्टर कर रहे हैं, तो आपको लिस्ट कैसे देखना है, यहाँ पर देखिए रिपोर्ट वाला ऑप्शन मिलता है, इस वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, रिपोर्ट प्लस वाले ऑप्शन पर। अब यहाँ पर देखिए व्यू इंस्टीट्यूट लिस्ट वाला ऑप्शन आता है फर्स्ट में, आपको यहाँ पर व्यू इंस्टीट्यूट लिस्ट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर देखिए लिस्ट यहाँ पर सर्च करने के लिए आ जाएगा। सबसे पहले आपको अपना स्टेट चूज करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बिहार सेलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पर बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। उनके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट अपना चूज करना है, यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका इंस्टीट्यूट कॉलेज है, तो अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर इस तरीके से ढूंढ करके यहाँ पर इनको सर्च कर लेंगे यानी कि सिलेक्ट कर लेंगे। उनके बाद जो भी आपका ब्लॉक पड़ता है आपको यहाँ पर ब्लॉक भी सिलेक्ट करना होगा, तो जो भी आपका ब्लॉक होगा अपने ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेंगे। उनके बाद यहाँ पर आपको नीचे भी और भी ऑप्शन मिलते हैं, इन सब ऑप्शन में आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। इतना चीज करने के बाद यहां पर देखिए सर्च वाला ऑप्शन मिलता है, इस सर्च वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर देखिए नीचे लिस्ट खुल करके आ जाएगा, यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी इंस्टीट्यूट होंगे, जितने भी स्कूल कॉलेज होंगे, वो सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल पर ये सब कॉलेज रजिस्टर है या फिर नहीं है। रजिस्टर होगा तो ही आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इंस्टीट्यूट कॉलेज का यहाँ पर देखिए नाम आ जाएगा, उनका यहाँ पर देखिए आ चुका है, स्टेट बता रहा है, डिस्ट्रिक्ट बता रहा है, और यहाँ पर उनका कॉन्टैक्ट यहाँ पर नेम बता रहा है, जो भी यहाँ पर उनके पर्सन होंगे उनका नंबर भी देखने को मिल जाता है। इस तरीके से आपको यहाँ पर पूरा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो देख पा रहे अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में इतना यहाँ पर लिस्ट खुल करके आ जाएगा, यहाँ पर आपको नीचे भी और भी आप यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। तो यहाँ पर टोटल देख पा रहे कि अभी हमारे पास इतना यहाँ पर लिस्ट दिखा रहा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट का 37 यहाँ पर कॉलेज इंस्टीट्यूट यहाँ पर रजिस्टर है। तो जो जो यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट कॉलेज में पढ़ते हैं तो वही लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर इस लिस्ट में भी जिनका यहाँ पर नाम नहीं आ रहा है तो वे यहाँ पर कुछ दिन इंतजार कर ले। अगर आपका इंस्टीट्यूट का नाम नहीं आ रहा तो यहाँ पर हो सकता है कॉलेज वाले यहाँ पर देर कर रहे होंगे तो वो रजिस्टर करेंगे, तो यहाँ पर भी आपका देखने को मिल जाएगा। या फिर आप एक बार अपने कॉलेज में विजिट कर ले, वहाँ पर एक बार जरूर बोले कि सर हमारा ऑनलाइन अप्लाई करते समय हमारा कॉलेज का नाम नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर रजिस्टर कर दें। रजिस्टर करेंगे तो लिस्ट में नाम आ जाएगा, आप यहाँ पर आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे व्यू कोर्स डिटेल वाले ऑप्शन पर, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इस कॉलेज का इंस्टीट्यूट का आप यहां पर डिटेल भी देख पाएंगे। तो यहां पर एकेडमिक ईयर भी देख पा रहे, दिया हुआ 19-20, 19-20, 20-21, 21-22, तो ये सब एकेडमिक ईयर वाले लोग यहां पर जो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है वो भी आप लोग यहां पर इस तरीके से देख पाएंगे। सो इस तरीके से आप लोग यहां पर जो लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं कि आपका इंस्टीट्यूट का नाम है या फिर नहीं है। साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि यहां पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि यहां पर निर्धारित की गई है, तो देख पा रहे 30/9/2021 यहां पर रखी गई है, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि इसी महीने की अंतिम तिथि रखी है, कि ये लास्ट मंथ में आप लोग यहां पर ऑनलाइन अप्लाई कर दे। अगर आप यहां पर ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं आता है तो इस पर हमने स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना दिया है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आप यहां पर ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, हमने ऐप के द्वारा भी बताया मोबाइल ऐप से कैसे करेंगे, और वेबसाइट के द्वारा भी बता दिया है। वो वाली वीडियो का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। वो वीडियो देख करके आप खुद से यहां पर अपने मोबाइल से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले इसी तरह की अपडेट पाने के लिए।